अभी हाल फिलहाल में जो है दुबई से लौटे हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर बहुत तेजी से। इस तरीके से लोग देखिए मजा लेते हैं स्टेशन पे। और नेक्स्ट स्टॉप जो है हमारा, अभी हम लोग पहुंचे हैं गंडरवारा। गाइस जिन लोगों ने नहीं देखा है शाबर शैलब भाई का हमारा कैसा है तो वो देख सकते हैं। अंसारी ब्लॉगर, तो भाई सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो और बहुत जल्दी 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरे करा दो। क्या आप मेहनत करो इंशाल्लाह। मैंने भी मेहनत से जीरो से स्टार्टिंग की थी। मेरे लिए हम लोगों ने टिकट ले लिया है और अब हम यहाँ। गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब भी मस्त होंगे और मजा कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक ऐसे इंसान से मिलने जिससे कि आप मिलेंगे तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा, सैलब शेख से। तो अभी हम लोग घर से निकल गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 1:30 बजे का और हमारी ट्रेन है 2:15 बजे की। तो चलिए पहले स्टेशन पहुँचते हैं, टिकट लेते हैं, उसके बाद में आपसे गुफ्तगू करते हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम है, कहीं ट्रेन हमारी मिस ना हो जाए। देखिए भैया कह रहे हैं इंशाल्लाह पहुँच जाओगे, तो अब जब उन्होंने कह दिया तो इंशाल्लाह पहुँच ही जाएंगे। 1:35 हो रहा है, 37 मिनट टाइम से। फाइनली हम लोग स्टेशन पहुँच गए हैं और आपको ये बताना तो भूल ही गए कि जा कहाँ रहे हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं गंडरवारा, तो पहले चल के टिकट लेते हैं उसके बाद में आपको एक्सप्लोर कराते हैं। फाइनली हम लोगों ने टिकट ले लिया, ये देखिए, और ये 2.5 टिकट है। आप फैजान भाई भी हमारे साथ जा रहे हैं तो ट्रेन में बैठ के आपको बताते हैं कि किस लिए जा रहे हैं। कहावत पान खा रहे होंगे गाइस, टिकट लेने के कितनी भीड़ भाड़ है। ये हमारा टिकट काउंटर है फरुखाबाद का। तो गाइस फाइनली टिकट लेके हम लोग जो अपने प्लेटफॉर्म को कवर कर चुके हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आएगी हमारी ट्रेन जो कि कासगंज की तरफ जाएगी। तो ट्रेन आने तक यहाँ वेट करना पड़ेगा और जब तक कि ट्रेन आती है तब तक कि हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि कहाँ जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं सहावर, जो कि गंडरवारा के पास में लगता है ना, और सहावर की एक स्टेशन है, वहीं उतरेंगे हम लोग। टिकट लेके एकदम फर्स्ट क्लास से हम लोग आ गए। हमारे साथ में जा रहे हैं फैजान भाई भी, और फैजान भाई हमें जो है इसलिए साथ में जा रहे हैं क्योंकि हम जिनसे मिलने जा रहे हैं शैलब भाई से। शैलब शेख को आप जानते होंगे, अगर इंस्टाग्राम पे भी आप शैलब शेख जो है सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे, और उनका यूट्यूब अकाउंट भी है। तो काफ़ी बड़े क्रिएटर हैं वो। अभी हाल फिलहाल में जो है दुबई से लौटे हैं तो उन्हीं से मिलने के लिए जा रहे हैं हम लोग। क्यों फैजान भाई? उन्हीं से मिलने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो ये देखिए गाइस, ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म और 4 नंबर पे ही हमारी ट्रेन आएगी। तो चलिए कोई फर्स्ट क्लास की जगह देखते हैं, वहाँ पर बैठते हैं और उसके बाद वेट करते हैं ट्रेन का आने का। आप लोग जो है वीडियो इसी तरीके से इंजॉय करते रहिए। ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, क्राउड आप देख सकते हैं कितना है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर। छपरा खड़ी हुई है, कानपुर जा रही है छपरा के लिए। और गाइस ये देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर बहुत तेज़ी से, और बहुत जल्द हमारी स्टेशन यानी कि प्लेटफॉर्म सारे के सारे जो है एकदम कोहिनूर हीरे की तरह चमकने वाले हैं। इस तरीके से लोग देखिए मजा लेते हैं स्टेशन पे, शर्म नहीं आती है बताइए। पब्लिक प्लेस में ये सब करते हुए लोगों को आप देख रहे हैं, ये फरुखाबाद नीचे लिखा हुआ है, इसके नीचे जो है किस तरीके से जो है मस्ती करी जा रही है स्टेशन पे। स्टेशन का दुरुपयोग कह सकते हैं हम इसे। कैसे कैसे लोग हैं यार यहाँ पर। गाइस फाइनली हमारी ट्रेन आ गई और काफी सारी डिले है आज ये ट्रेन। और गाइस फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं, ट्रेन खुलेगी यहाँ से 2 से 5 मिनट में, और उसके बाद फिर हम लोग जो है सावर पहुँचेंगे। लगेंगे यहाँ से बता रहे हैं 4 बजे सावर पहुँचा देगी है। चलिए यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना टाइम लेती है। और 2:36 हुआ है और ट्रेन यहाँ से फरुखाबाद से खुल चुकी है सावर के लिए। ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये कायमगंज स्टेशन है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन लगी है। और गाइस कायमगंज आए तो इमरान की शादी याद आ गई। इमरान की शादी वाला ब्लॉग जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो हमारे चैनल पे जाकर ज़रूर देखें। बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था हम लोगों ने इमरान की बारात में। और फाइनली यहाँ से हमारी ट्रेन खुल चुकी है, ये देखिए, और यहाँ से निकल गई है ट्रेन। और चलिए पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं। और गाइस मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, शायद बारिश होगी, बारिश होगी तो मज़ा आ जाएगी। देखिए कितने बहुत सारे आम लगे हुए हैं पेड़ पे, आप देख सकते हैं। और कायमगंज के तो वैसे भी आम बहुत ज़्यादा फेमस हैं, नंबर 1 पे मलियाबाद, 2 नंबर पे कायमगंज। मौसम देखिए गाइस कितना अच्छा हो रहा है, और सफ़र में साथी ही ज़रूरी नहीं होता है, अच्छा होना, मौसम का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है सफ़र में, जब भी मज़ा आता है सफ़र का। अभी वक्त हो रहा है 3:37
और रुदैन से हमारी ट्रेन खुली है, बल्लूपुर भरगैन इसका नेक्स्ट स्टॉप है। गाइस ये देखिए बल्लूपुर भरगैन में हम पहुंच गए और अभी वक्त हो रहा है 3:30 बजे का, 3:32 मिनट अराउंड हो गए हैं। और बल्लूपुर भरगैन से बहुत सारी हमारी यादें जुड़ी हुई हैं बचपन की। तो गाइस अभी हम पटियाली जो है पहुंच चुके हैं और पटियाली ट्रेन खुल गई है और नेक्स्ट स्टॉप जो है हमारा, अभी हम लोग पहुँचे हैं गंडरवाड़ा स्टेशन और यहाँ से लगभग 10 मिनट बता रहे हैं लगेंगे हम लोग को पहुँचने में सहावर। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए शैलब शेख के जो है शहर कह सकते हैं इसको, वैसे कस्बा है ये, और कुछ ही मिनटों में हम जो है पहुंच जाएंगे अपने प्लेटफॉर्म पर सावर के, और ट्रेन फाइनली हमारी लग रही है प्लेटफॉर्म पर। और गाइस जिन लोगों ने नहीं देखा है सावर शैलब भाई का हमारा कैसा है तो वो देख सकते हैं स्टेशन के इर्द गिर्द का एरिया जिस तरीके का दिखता है। ये देखिए गाइस सावर टाउन के नाम से ये स्टेशन है, सबसे पहले हम यहाँ स्टेशन पे उतरेंगे और उसके बाद में उनके गांव या उनके मोहल्ले या उनके जहाँ भी वो रहते हैं उस एरिया को कवर करेंगे। और गाइस फाइनली हम स्टेशन पे पहुँच गए हैं, हमारे साथ देखिए फैजान भाई भी हैं, स्टेशन से बाहर निकलते हैं और फिर पता करते हैं इनसे कि साधन से जाना होगा या पैदल जाना होगा, कैसे जाना होगा, पैदल पहले पैदल चलना होगा। तो गाइस चलिए चलते हैं और देखकर चलेंगे यहाँ उनकी इस चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के आपको लग रहा होगा कि कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है मेरे साथ। तो आज हम जो है शैलब भाई से मीटअप करने वाले हैं, फ़ोन किया तो पता चला वो अपने घर पर नहीं है और वो अपनी शॉप पर है, उनकी एक शॉप है कपड़ों का जो कि काम करते हैं वो, तो उनकी शॉप पर ही जा रहे हैं हमारे साथ। देखिए भैया जा रहे हैं, ये क्या नाम है आपका, जोहेद हमें लेकर के जा रहा है शैलब भाई की शॉप पर। तो चलिए पहुँचते हैं वहाँ और फिर मिलते हैं शैलब भाई से और आप लोग को दिखाते हैं। गाइस मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए, ये पहली बार उनसे मुलाकात हो रही है तो कैसा लगेगा पता नहीं। तो चलिए सीधा वहाँ पहुँचते हैं उनकी शॉप पर और फिर उसके बाद में आपको दिखाते हैं। तो वीडियो किसी तरीके बने रहिए और चैनल पे फिर से मैं कह देता हूँ अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस देखिए फाइनली हम पहुँच गए शैलब भाई से और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि शैलब भाई से ही मुलाकात हो रही है और मेरे सामने जो है शैलब भाई मौजूद हैं। तो शैलब भाई आप हमारे कुछ सब्सक्राइबरों से कहना चाहेंगे? आपके चैनल का नाम क्या है? अंसारी ब्लॉगर। तो भाई सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और बहुत जल्दी 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरे करा दो। क्या बात है शैलब भाई, दिल खुश कर दिया मेरा भाई। तो गाइस देखिए मैंने पहले आपको बताया था कि मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ लेकिन मुझे पता है कि शैलब भाई जो है दिल के बहुत अच्छे हैं। तो दो शब्दों से इंसान के दो बोलों से भी पता चल जाती है उसकी क्वालिटी कि वो कैसा बंदा है। तो देखिए मैं आया, मैंने भाई से सलाम दुआ करी, चेयर पे बैठे हुए थे, मेरे भाई चेयर पर से उठ गए, कहने लगे कोने पर बैठो। तो देखो ये होता है लोगों का दिल, लेकिन पता नहीं लोग हमारे बारे में कैसा कैसा सोचते हैं शैलब भाई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर क्रिएटर चाहता है एक क्रिएटर की इज्जत करना, हर इंसान की इज्जत करना। तो ऐसा मत सोचा करो आप लोग जो भी ऐसा कुछ सोचते हो। देखो मीटअप करने के लिए आया भाई ने, इतनी इज्जत दी, इतना बहुत है हमारे लिए और शैलब भाई दिल खुश कर दिया। हमने इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी इज्जत देंगे हमारे भाई, लेकिन बहुत दिल खुश हो गया। तो चलो भाई आप यहीं बैठते हैं शॉप पर? मैं जब यहाँ पर रहता हूँ सहावर में तो यहीं बैठता हूँ। अच्छा। अच्छा, मैं दिल्ली रहता हूँ। अच्छा, अभी तो आप बाहर थे, आउट ऑफ कंट्री? हाँ, मैं जाता रहता हूँ किसी न किसी काम से या ब्लॉग केस से, वैसे मैं ज़्यादातर यहीं रहता हूँ घर पर। अच्छा, ये आपकी पर्सनल खुद की दुकान है? हाँ जी। तो ये देखिए शॉप पर ही मुलाकात हो गई, हमने वैसे घर से इरादा करा था कि भाई के घर पर जाके इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, लेकिन जब शॉप है भाई की तो जाहिर सी बात है अपनी शॉप पर ही रहेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकता हूँ आप लोगों की कितना दिल हमारा खुश है और शायद कि नरेंद्र मोदी मुझसे हाथ मिलाते, मुझे गले लगाते तो शैलब भाई मुझे इतनी खुशी नहीं होती जितना कि मुझे खुशी हुई आपसे मुलाकात। मैंने देखा यार तो मुझे वाकई बिलीव नहीं हो रहा था कि शैलब भाई हमारे सामने है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा शैलब भाई। कभी अच्छा ये बताइए फरुखाबाद आपका आना होता है? वैसे आपका फरुखाबाद से रिलेशन है ना? मेरी नानी का घर है, बट मैं साल दो साल में कभी एक दफा जाता हूँ।
देखिए भाई साहब, नानी का घर है फरुखाबाद में, हमारे मतलब पड़ोसी, इनकी नानी का घर जो हमारे पड़ोस में ही है। तो नानी घर फरुखाबाद में किस जगह पर है? ये SBI बैंक जो है ना वहाँ पर, SBI बैंक यानी कि सेठ वाली गली में। अच्छा, तो सेठ वाली गली में देखिए फरुखाबाद में। तो आप ये बताइए आपको फरुखाबाद आना कब होगा? पता नहीं यार, बट आएंगे जल्दी इंशाल्लाह, आएंगे तो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, मिलते हैं, मिलेंगे। सर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक बार फिर से कह दूँ, मुझे वाकई में यकीन नहीं हो रहा है कि शैलभ भाई हमारे साथ में। बहुत 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 अच्छा लगा शैलभ भाई। चलिए दोस्त, आपसे हमारे शैलभ भाई और आपसे मुलाकात करने के लिए आए हैं, तो चलिए थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। और अगर हमारे चैनल पे, फिर से आपसे कह देते हैं, अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, फिर मिलते हैं। देखा आपने शैलभ भाई से मुलाकात की, वहाँ बैठे थोड़ी बातचीत की, बहुत यार अच्छा लगा। और दिल का भी बंदा, जैसे आप उसको रील पे देखते हैं, वो वाकई में यार रियल लाइफ में भी जो है का बिल्कुल उतनी ही सादगी रखता है, और उतने ही चेहरे पे नूर है उसके, जैसे कि मेरे वीडियो में भी आपने देखा। तो दिल खुश हो गया यार वाकई में। और जैसा कि उन्होंने बताया कि अभी वो ज़्यादातर बाहर रहते हैं, वैसे बता तो ये रहते हैं कि ज़्यादातर दिल्ली रहते हैं, लेकिन आउट ऑफ कंट्री भी वो कई बार देखा गया है उनको, कि आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। अभी मौजूद तो यहाँ पर कोई रिलेशन है फैजान भाई की, उस रिलेशन के थ्रू जो है पता चला कि वो अभी यहीं मौजूद हैं, और हर साल मुहर्रम पे तो वो अपने घर पर रहते ही रहते हैं, तो इस वजह से जो है वो यहीं थे। तो ऐसे कोई किसी के पास जाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, किसी ना किसी के ज़रिए से ही जाता है इंसान। तो जैसे कि आज हम जो है फैजान भाई के ज़रिए से आए, और यार फाइनली जो है शैलभ भाई से मुलाकात हुई, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से मीटअप इसलिए करते हैं कि इनसे इंस्पायर हों हम लोग, तो इन लोगों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है गाइस, इसलिए हम लोग जो है इन लोगों से मिलते हैं। तो आदमी ये सोचता है कि पता नहीं क्यों चले गए, वहाँ क्या है, कैसे है, क्या है, तो ऐसा नहीं है। देखिए गाइस, हम लोग इसलिए मीटअप करने के लिए जाते हैं, एक क्रिएटर से मिलने के लिए जाते हैं, जिससे कि कोई कुछ ना कुछ सीख मिलती है हम लोग को, तो वही जो है एक ना एक सीख मिलती है। देखिए आज हम इनसे मिलने आए, तो इन्होंने भी एक सीख दी। जैसे कि पिछली बार हम सेवेंजर से मिलने गए थे, सेवेंजर से जो मास्टर जी हैं उन्होंने मुझसे कहा था कि मेहनत करते रहो, तो वही चीज़ आज शैलभ ने भी मुझसे कही कि भाई आप मेहनत करो इंशाल्लाह। मैंने भी मेहनत से जीरो से स्टार्टिंग की थी, हीरो तक पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी, लोग तरह तरह के कमेंट करेंगे, लोग मोहल्ले के लोग भी बहुत परेशान करेंगे, लेकिन तुम्हें सब कुछ इग्नोर करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है, तो ये चीज़ है। तो बस ऐसे ही करके जो हैगा चलते चले जाओगे, और एक ना एक दिन जो हैगा यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे। तो गाइस, अब हम लोग जो है यहाँ से वापसी हो रहे हैं, और यहाँ आके सावर में बहुत अच्छा लगा, और ख़ास करके जो है फैजान भाई के रिश्तेदार हैं, उन्होंने बहुत अच्छी खिदमत करी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी इज्जत दी हमें, इस लायक समझा। और अब जो है हम लोग स्टेशन पे वापस आ गए, क्योंकि 6 बजे की ट्रेन है। तो हमारा मेन मकसद जो था वो सावर आने का, वो शैलभ भाई से मुलाकात करने का था, तो हमने सोचा शायद यहाँ वक्त थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम लोग वक्त के अकॉर्डिंग जो हैगा बहुत जल्द ही जो है फारिग हो गए यहाँ से। तो अब जब फारिग हो ही गए तो यहाँ फालतू में रुक के क्या करेंगे, तो इसलिए अब हम लोग जो है यहाँ से वापसी हो रहे हैं अपने घर के लिए। और फाइनली हम लोगों ने टिकट ले लिया है, और अब हम यहाँ से पहुँचेंगे 1 से 1.5 घंटे में, या अराउंड 2 घंटे में फरुखाबाद पहुंच जाएंगे। तो बस उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए अपने इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए अपने दोस्त कोहिनूर अंसारी को दीजिए इजाज़त, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सेल, बाय बाय।